हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज की जो वीडियो है वो है एफसीआई की नोटिफिकेशन जो हमारी आई थी, ठीक है, रिलीज़ हुई थी। एफसीआई ने एज यू नो बहुत सारी वैकेंसीज को रिलीज़ किया है, ठीक है, तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो उसकी है, प्लस कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नहीं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, उसमें हम सब कुछ उसमें डिस्कस करेंगे। प्लस कितने कौन सी रीजन में, लाइक नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट छोटा सा लेकिन बड़ा सा गाइस, कि बच्चों ने नीचे कमेंट किया, जैसे मैंने ये LIC की वीडियो बनाई थी, आपकी RRB NTPC की वीडियो बनाई थी, कि मैम जो है वीडियो को शॉर्ट रखा कीजिए, और इतना जैसे अब आप देख सकते हैं इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, तो उन्होंने बोला वीडियो को शॉर्ट रखा कीजिए। टू बी प्रिसाइज गाइस, देखिए मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को समझ आए, ठीक है। अब हर बच्चा तो ऐसा है नहीं कि बार बार फॉर्म भरता हो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपको बताया कितनी गलतियां हमसे होती हैं, और फर्स्ट टाइम हम फिल भी नहीं कर पाते, तो आधे बच्चे तो क्या करेंगे, चैनल के पेजेस विजिट करेंगे, वहां से लिंक खोलेंगे और फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं, वो इस नोटिफिकेशंस को तो पढ़ते ही नहीं है। प्लस अब इसमें क्या होता है कि कई बार वो ऐसी रीजन भर देते हैं जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा ना हो, है ना, कभी वो अपने रीजन से फॉर्म नहीं भरते, या फिर जैसे अभी कभी कभार जैसे फ़ोटो का साइज़ है, आपको 20 KB मांगा गया है, तो वो फ़ोटो में अपलोड में दिक्कत आएगी क्योंकि उनका फाइल साइज़ होता नहीं है, उनको समझ नहीं आता स्कैनिंग का प्रोसीजर क्या है, कभी कभार उनकी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाती है, कभी साइन रिजेक्ट हो जाते हैं उनके, कभी कुछ होता है, तो काफ़ी सारी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो मेरा मकसद क्या रहता है गाइज, कि मैं अगर वीडियो बना ही रही हूँ तो मैं उस नोटिफिकेशन को जितना हो सके एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जो भी फर्स्ट टाइमर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी भी फॉर्म को फिल करता है, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए और वो जितनी भी इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड है वो अच्छे से देख ले। तो उससे क्या होगा, उसके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और उससे फर्स्ट टाइम में ही कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई वीडियो बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ, बट हाँ, आपका हुक्म सर आँखों पर, मैं कोशिश करूँगी कि आगे की जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं उसको शॉर्ट रखूँ, बट अगर हाँ थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माफ़ी गाइस उसके लिए बहुत, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर वीडियो। तो बाकी आपने देखा ही होगा कि नीचे मैंने LIC की और आपकी RRB की नोटिफिकेशन शेयर की है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्म फिल कीजिएगा, ये वाला फॉर्म फिल कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं 590 वैकेंसी है, सैलरी भी देखिए 56,000 बनेगी आपकी, तो LIC का भी फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो इसमें भी पूरा खोल के देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखना ताकि आपको पता चले, ठीक है, और क्या है क्या नहीं है इसमें। अब चलो चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ जो कि है FCI की। तो गाइस, FCI ने जो है आपकी नोटिफिकेशन जारी करी है और काफ़ी सारी FCI में वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं इसमें। तो ये देखिए गाइस, नॉर्थ जोन जो है आपका, तो अब जब हम पढ़ते हो, ठीक है, जब आप भी विजिट करते हो किसी भी इस पे साइट पर, फिर देखते हो जैसे ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो ये आपने देखा है नॉर्थ जोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है नॉर्थ जोन के लिए, देखिए जूनियर इंजीनियर जो है सिविल इंजीनियरिंग का मांगा हुआ है, और फिर इनकी पे स्केल कितना है ये देख लीजिए, 11,100 रुपये से लेकर 29,950 रुपये, ठीक है। मैक्सिमम एज जो है इसमें मांगी गई है 28। अब ये क्या लिखा हुआ आपका SC ST OBC में कितनी वैकेंसीज है, शेड्यूल कास्ट के लिए SC जो है आपकी उनकी 7 वैकेंसीज हैं, ST के लिए 1 है, सिमिलरली OBC के लिए 7 है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसीज हैं, टोटल हैं आपकी 46 वैकेंसी। अब ये आ जाता है PWBD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी हैं कितनी नहीं है, तो ये सारी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। एक वैकेंसी निकाली हुई है इसमें, ठीक है, और फिर इस ऐसे करके आपको पूरा का पूरा ये जो फॉर्म है नीचे तक का पढ़ लेना है, ओके। सिमिलरली आप नीचे देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका है, ठीक है, और इसमें कितनी आपका पे स्केल है आप देख लीजिए नीचे, तो इस तरीके से पूरा फॉर्म हो जाएगा। अब हम नीचे चलते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं इसमें, पोस्ट क्या क्या है गाइज इसमें, एक तो आपकी स्टेनो, ठीक है, स्टेनो ग्रेड 2 की, AG हिंदी, टाइपिस्ट हिंदी AG 3, ठीक है, और इसी तरीके से आपकी यहाँ पर जो है सैलरी दी गई है, देख लीजिए ये आपकी सैलरी है इसमें, ठीक है। नीचे चलते हैं आपका, अब ये था नॉर्थ जोन के लिए, नॉर्थ जोन के लिए आप देख लीजिए SC के लिए 457, ST 39,
ओबीसी 307, ठीक है, और EWS के लिए जो है आपके 200 वैकेंसीज निकली हैं। अब से आपकी जो अनरिजर्व है कैटेगरी वो 996, टोटल जो है इसमें 1999 वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं। और ये सारा आप देख लीजिए नीचे, फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 285 वैकेंसी जो है टोटल निकली हुई हैं, ठीक है। साउथ जोन का हम देख लेते हैं, सिमिलरली साउथ जोन के लिए भी सेम चीज़ है, ये आपका पे स्केल है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 होनी चाहिए, और जो इसमें स्टेनो ग्रेड टू है उसमें एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो 25 होनी चाहिए, और टाइपिस्ट में 25 होनी चाहिए। एज थ्री जो है उसमें 27 होनी चाहिए, बाकी में देख लीजिए 28 28, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें भी सिमिलरली जो आपकी क्या कहते हैं SCM 63 वैकेंसी, STs के लिए 46 वैकेंसीज हैं, OBC के लिए 151 है, EWS के लिए 43 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 237 है, टोटल आपकी 540 हैं, और PWD में जो है आपकी वैकेंसी 79 है। सिमिलरली ईस्ट जोन है आपका, तो आप ईस्ट जोन देख लीजिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, इसमें कितना पे स्केल किस चीज़ का है। ये पे स्केल है आपका, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी लिखी हुई है, SC ST OBC के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। तो गाइस देखिए, जब भी अपना आप जोन चूज़ करें वाइजली करें, ठीक है। आप पहली चीज़ ये देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, दूसरी चीज़ ये देख लीजिए जहाँ भी जिस फील्ड में भी आपको ज़्यादा वैकेंसीज दिखती हैं उस वहाँ पर भरिए आप, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं वैकेंसी ही एक है, मान लो ST में एक ही वैकेंसी है, ठीक है। तो पर आप चूज़ करिए वाइजली अपना, मैं यही बोलूँगी कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज दिखे वहाँ भरिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के फिर उसमें। ये देखिए ईस्ट जोन, ये आपका वेस्ट जोन है, कितनी वैकेंसीज हैं क्या हैं आप यहाँ से देखते रहिए, मैंने ऊपर बता दिया था किस तरीके से देखना है आपको। ये देखिए गाइज, ये नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए हैं आपकी, और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है ये 1/1/2019, मतलब 1 जनवरी 2019 को आप 28 के होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम है ये 28, 28 से कम हो सकते हो लेकिन 28 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ओके। बाकी तो क्वालिफिकेशन जो भी मांगी होगी इस 28 साल तक आपकी वो होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कितनी है कितनी नहीं है। जो पे स्केल है, ठीक है, आर ड्यू फॉर रिविजन कब, 1/1/2017 को, ठीक है। अब आप जैसे फॉर्म पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है UR, लिखा है SC ST PWBD क्या है, तो UR आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं होती, जनरल कास्ट में आते हैं। SC शेड्यूल कास्ट है, ST जो है आपकी शेड्यूल ट्राइब है, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस है, EWT जो है आपका EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, PWBD पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, उनका है। अब ये जैसे फिजिकली डिसेबल्ड भी जो हैं, ठीक है, उनका भी क्या दे रखा है, जैसे ब्लाइंड एंड लो विजन तो 1% उनकी रिजर्वेशन है, जो डेफ हैं उनकी भी 1% है, लेप्रोसी ये सब चीज़ें हैं जिनको, और उनका भी 1% रिजर्वेशन। तो इस तरीके से ये सारी रिजर्वेशन प्रोवाइड करी हुई है PWBD कैटेगरी में, ओके। अब नीचे चलते हैं गाइस, देख लेते हैं क्वालिफिकेशन कितनी कितनी क्या होनी चाहिए आपके लिए। तो हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इसके लिए, तो आपका क्या है, हाँ जी देख लीजिए, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक तो डिग्री आपको होल्ड करनी है सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। नीचे चलते हैं हम, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए क्या है, आपकी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स ओनली। कहने का मतलब है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। स्टेनो ग्रेड 2 ये देख लीजिए, ग्रेजुएट विद ओ लेवल ऑफ DOE ACCC एंड स्पीड ये इतनी होती है,
कितना आपका पर मिनट, कितने आपको वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड्स पर मिनट, जैसे 80 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली, एंड डिग्री या फिर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, और स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, एंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। तो ये जब हम स्टेनो वगैरह के लिए हम एग्ज़ाम देते हैं तो ये शॉर्ट हैंड राइटिंग्स होती है वो सीखनी पड़ती है आपको, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपकी एसेंशियल वो है क्वालिफिकेशन जो होना ही चाहिए। अब एजी टू हिंदी है आपका, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास एक यूनिवर्सिटी की, ठीक है, और जो जिसमें हिंदी एक मेन सब्जेक्ट हो। आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए प्रोफिशिएंसी, या तो लिखनी या बोलनी आनी चाहिए, प्लस आपको एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में। कहने का मतलब है कि आप एक साल ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई आप हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाए और इंग्लिश को हिंदी में। अब डिज़ायर जो इनका मांगा है, डिज़ायर पोस्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हिंदी में मांगी गई है, ठीक है। सिमिलरली अगर टाइपिस्ट आप इनको इन्होंने लिया है टाइपिस्ट अगर हिंदी में, तो वही ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, प्लस इतना वर्ड्स पर मिनट उनकी हिंदी में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स नोइंग बायलिंगुअल टाइपिंग, कहने का मतलब प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनको हिंदी और इंग्लिश में जो है टाइपिंग की उनकी स्पीड अच्छी हो, ठीक है, और वो टाइपिंग कर सकते हो, प्लस जिनको कंप्यूटर की नॉलेज हो। सिमिलरली एजी जर्नल का आपको देख लीजिए, ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशियंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स। अकाउंट्स के लिए आपको बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, आप ठीक है, बैचलर डिग्री आपको होनी आपके पास होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी की, और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। अब एजी थ्री आपने टेक्निकल देखा है, टेक्निकल का अगर आप भरते हैं तो आपको एग्रीकल्चर में जो है बीएससी या तो आपने की हो, या बीएससी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो बॉटनी में आप बीएससी हो, जूलॉजी में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या फूड साइंस में अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आप इस टेक्निकल वाली पोस्ट को भर सकते हैं। बीटेक कर रखी हो, बीई फूड साइंस में कर रखी हो, या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग कर रखी हो, बायोटेक कर रखी हो आपने किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से जो AICTE के से अप्रूव्ड हो, ठीक है, और आपको प्रोफेशनसी कहने का मतलब कंप्यूटर्स को यूज़ करना आना चाहिए कंप्यूटर को, ठीक है, तो उसके लिए आप टेक्निकल के लिए भर सकते हैं। अब AG3 डेपो का लिया हुआ है आपके, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस कंप्यूटर को यूज़ करना आना चाहिए। अब जो कैंडिडेट है वो एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है, या तो वो नॉर्थ में कर ले, या साउथ में, या ईस्ट वेस्ट, या फिर नॉर्थ ईस्ट जोन में कर ले। कहने का मतलब ये नहीं है आपने अलग अलग उससे या तो नॉर्थ में भी कर दिया, साउथ में भी कर दिया, ऐसे नहीं, आप एक कैंडिडेटों को आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्लस कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द पोस्ट, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ऊपर से नीचे हमने 6-7 पोस्ट देखी थी, उसमें से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे प्लस एक ही जोन में, ठीक है। एप्लीकेशन जो है आपका जो आप करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन मोड के थ्रू करेंगे, ऑफलाइन नहीं होगा। अब रिजर्वेशंस आपको मिलेंगी, ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं OBC जो कैटेगरी है उसमें 3 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, ठीक है, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। अगर आप FCI के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उनके लिए अपर एज लिमिट जो है वो वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अपर एज लिमिट जो है आपकी 10 इयर्स की रिलैक्सेशन PWBD को मिलेगी, 15 इयर्स की PWBD कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, ठीक है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उसमें भी अगर आप SC ST हैं तो 15 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, OBC हैं तो 13 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और जनरल उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो आप देख लीजिए गाइस, एक्स सर्विसमैन के लिए भी पूरा दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिए या मैं सारा बताऊंगी, फिर वही वीडियो लॉन्ग हो जाएगी आपकी फिर से। तो ये सारा एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है कि कब कैसा क्या रिटायरमेंट के बाद क्या है क्या नहीं, कहाँ उन्होंने सर्व किया होना चाहिए, तभी आपको जो है इसकी वो मिलेगी बेनिफिट्स, ठीक है।
सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं गाइस, क्या है आपका। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, फेज़ वन और फेज़ टू होंगे इसमें। अब फेज़ वन का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, शैल बी कॉमन इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। कहने का मतलब जो फेज़ वन का एग्ज़ाम है वो कॉमन रहेगा सभी पोस्ट के लिए। तो उसमें आप देख लीजिए क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स की, और ड्यूरेशन है 20 मिनट्स, ठीक है, और वो इंग्लिश में ही होगा। रीजनिंग एबिलिटी है गाइस 35 क्वेश्चंस, 35 मिनट्स, 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और बायलिंगुअल मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड गाइस 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स, टाइम दिया रहेगा आपको 20 मिनट्स का, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स हैं, 60 मिनट का आपका टाइम होगा टोटल। जो पहला है आपका फेज वन है, ठीक है, वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कहने का मतलब कंप्यूटर पे होगा, प्लस ऑब्जेक्टिव होगा, वो MCQs होंगे आपके पास, जैसे कि एक क्वेश्चन मल्टीपल उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको एक क्वेश्चन एक आंसर को टिक करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है वो एक मार्क का होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आपने कोई क्वेश्चन उसको गलत कर दिया है तो 1/4 मार्क आपके डिडक्ट भी होंगे, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं खाली, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपके 5 क्वेश्चंस है उसमें आपने 3 आपने अटेम्प्ट किए हैं, 2 छोड़े हैं, तो उन 2 की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 3 में से अगर एक भी गलत होता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की हो जाएगी। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है उसमें, ठीक है। फेज टू भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो इसमें फेज टू में क्या होगा आप देख लीजिए, पेपर वन ओनली, पेपर टू ओनली, टाइप पेपर थ्री ओनली टाइपिस्ट के लिए। पेपर वन जो है आपका AG3 टाइपिंग जर्नल और AG3 डिपो, ये देख लीजिए आप, पेपर वन और पेपर टू किसके लिए आपके असेंशियल हैं। इसमें ये है आपके जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए पेपर वन पेपर टू की वो है, ठीक है, ज़रूरत है। जिन कैंडिडेट्स ने जो पोस्ट कोड है आपका ABGNH, वो अगर पेपर वन के लिए अपीयर किया है तो उसके लिए उनको पेपर टू के लिए भी अपीयर करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर वन और पेपर टू जो है वो एक ही दिन होंगे और सिंगल सिटिंग मतलब एक ही टाइम पे होंगे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए क्या है आपका, पेपर थ्री और पेपर फोर जो है आपके AG2 हिंदी, जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट डी के लिए अपीयर किया है, ठीक है, अप्लाई किया है, पेपर थ्री और पेपर फोर एक साथ होंगे, वो उनके लिए भी वो ये कहते हैं उनको अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है, और एक ही साथ वो होंगे। देख लीजिए, पेपर थ्री एंड पेपर फोर शैल बी हेल्ड इन सिंगल सिटिंग ओनली। अब नीचे पेपर टाइप आपका दे रखा है कि पेपर वन पेपर टू पेपर फाइव, इसमें क्या क्या होगा, 120 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन MCQs होंगे, एक एक नंबर के होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 120, ठीक है। इसमें क्या है, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर देखा था, गाइस इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 मार्क्स की, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे देख लीजिए, पेपर फोर के लिए सब्जेक्टिव है आपका पेपर फोर, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और मैक्सिमम जो है आपके मार्क्स ही कैरी करता है 120, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ओके। अब ये देख लीजिए गाइस, पेपर वन जो है ड्यूरेशन 90 मिनट्स, 120 MCQs होंगे, और ऑफ जर्नल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ रीजनिंग जर्नल इंटेलिजेंस, कहने का मतलब जो MCQs होंगे आपके ये जर्नल एप्टीट्यूड रीजनिंग पे होंगे, ठीक है, या फिर जर्नल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर की नॉलेज कितनी है आपको, जर्नल अवेयरनेस आजकल चल रहा है आपके आजू बाजू में, करंट इवेंट्स क्या हुए हैं, DI, ठीक है, ये सब के बारे में होगा पेपर वन। जो आपका पेपर टू है ये क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे इसमें भी, जिस भी फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है, मान लो सिविल इंजीनियरिंग का था या इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के होंगे, सिविल को सिविल के वो मिलेंगे, जो भी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, स्ट्रीम से रिलेटेड है, वो क्वेश्चंस उनको मिलेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली अगर ग्रेड थ्री अकाउंट्स के लिए आपने भरा है पोस्ट जी को, तो 60 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, जर्नल अकाउंटिंग और फाइनेंस के ऊपर। और अगर आपने नीचे ये वाला भरा है असिस्टेंट ग्रेड थ्री टेक्निकल वाले पोस्ट के लिए, तो 60 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, या तो एग्रीकल्चर बॉटनी एंड जूलॉजी पे ग्रुप ए अगर आपने फिल किया है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फिजिक्स ग्रुप बी में अगर आपने फिल किया है, ठीक है,
और पोस्ट एच के लिए किया है तो ये सब रिक्वायरमेंट होगी आपकी। तो ये यहाँ गाइस आपका सिलेबस दिया हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग वाली जो पोस्ट कोड ए है आपका, तो उसमें क्या क्या आपको सिलेबस है। तो ये है बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन जो भी आपने इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग वाले का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या क्या आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये उनका सिलेबस है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, जो भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में आता है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं देख ली थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, मशीन डिज़ाइन, ये सब है आपका। अब चलते हैं गाइज, अगर पोस्ट कोड जी जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए, वो ये आपका अकाउंट्स का सिलेबस है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी, तो आप इसको देख लीजिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, ये आपका है टेक्निकल पोस्ट के लिए, क्या क्या आपको जो है सिलेबस करना है। ठीक है, बॉटनी का ये सब है, जूलॉजी की ये सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री की ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स में ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। जो ग्रुप है आपका, ग्रुप ए में आता है एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी, ग्रुप बी में आएगा आपका एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो जिस हिसाब से भी आपने भरा है उस हिसाब से आप अपना सिलेबस को प्रिपेयर कर लीजिए। पेपर 3 जो है उसका 90 मिनट्स की ड्यूरेशन है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और फॉर दी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट कोड डी, जनरल असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी और पोस्ट कोड ई टाइप, इसके लिए सिमिलरली सब्जेक्टिव टेस्ट जो है आपका पेपर 4, जिन जिन पोस्ट में ये होगा उसमें आपका ट्रांसलेशन आएगी 2 पैसेज की। ठीक है, या तो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी के। ठीक है, और बाकी नीचे देख लीजिए ये सब है। तो गाइज, जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे फेज 1 एग्जामिनेशन, वो आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, और जितनी भी आपकी वैकेंसी है टोटल उसका 15 गुना जो बच्चा है सिलेक्ट होके फेज 2 के लिए बैठेगा। जितना भी ऑनलाइन एग्जाम आप दे रहे हैं ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, सिर्फ एक को छोड़ के जो कि पेपर 4 है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें 2 पैसे जाएंगे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी के लिए। ये स्क्राइब के लिए आपकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो स्क्राइब लेके जाना चाहते हैं वो ये उनकी डिटेल्स लिखी हुई है कि आप किस कैसे स्क्राइब को लेके जा सकते हैं अपने साथ में, तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। स्किल टेस्ट है ये, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा जो, तो ये सब आपका दिया गया है। ठीक है, अब जो है मोटी मोटी सी बात है आपकी, इसमें और क्या डिस्कस करना है इस फॉर्म में हमें। अगर आप 18 साल के नहीं हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, इनिशियल अपॉइंटमेंट आपकी नहीं हो सकती अगर आपने 18 साल की एज जो है आपने अटेन नहीं की है। ठीक है, बाकी मैं चाहूंगी इन सब चीजों को आप खुद पढ़िए। एग्जामिनेशन सेंटर है गाइज, अगर आपने देखिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब अंडमान एंड निकोबार से भरा है तो आपका सेंटर पोर्ट ब्लेयर में पड़ेगा। आंध्र प्रदेश से भरा है तो चिराला, गुंटूर, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लौर, ठीक है, ये यहाँ पर पढ़ सकते हैं आपके सेंटर। असम से भरा है तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोहाट, ये सब जगह ये आपके सेंटर्स हैं। और कहाँ कहाँ आपके फेज 1 एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन, वो कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं सेंटर्स, तो ये सब है इसमें। ठीक है, फेज 2 का जो एग्जामिनेशन है तो ये कहाँ पड़ेगा ये देख लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश से भरा है आपने स्टेट से, तो विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, असम से भरा है तो गुवाहाटी, दिल्ली NCR से भरा दिल्ली, न्यू दिल्ली, नोएडा, यहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। ओके, फेज 4 जो है गाइस, यहाँ पर जो टाइपिंग का, हिंदी टाइपिंग है जो आपकी, ठीक है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का टेस्ट है, तो ये आपके सेंटर्स यहाँ पर पढ़ेंगे, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, कहीं भी आपको बुला जा सकता है। और ये देख लीजिए ये सारा इस फॉर्म में। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्थ जोन में क्या क्या आता है। नॉर्थ जोन में आपके एरिया आएंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। साउथ जोन में आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, तो यहाँ पर आप इस हिसाब से आप भरिएगा अपना। ईस्ट जोन में आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, और वेस्ट जोन में आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूटी, दमन एंड दीव, दादर, नगर हवेली, गोवा। तो इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है,
फॉर्म कि कहाँ वैकेंसीज और कहाँ यहाँ यहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि आपको किधर के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना है, कौन से जोन से अप्लाई करना है आपको। इसमें गाइस फीमेल्स के लिए तो कोई भी फीस है नहीं, तो हम फीस भी देखते हैं नीचे कितनी है कितनी नहीं है। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स आन एंड अपलोड, ठीक है। अब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, जब आप फोटोग्राफ करते हैं स्कैन, ठीक है, कितना होना चाहिए सिग्नेचर आपका, ब्लैक इंक से होना चाहिए, वाइट पेपर पे लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक के थ्रू, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए, ठीक है, या कैपिटल लेटर में साइन नहीं होने चाहिए। अब ये देख लीजिए, डिक्लेरेशन जो आपको लिखनी है वो ऐसे ही लिखनी है, आई डैश डैश जो भी आपका नेम है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन लिख के देनी है रनिंग हैंड में, कैपिटल वगैरह में नहीं, रनिंग हैंड में आपको डिक्लेरेशन लिख के देनी है, ठीक है, और खुद ही लिखना, ये नहीं है इधर उधर से लिखवा लिया हो। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, तो FCI की वेबसाइट पे आपको जाना है जो कि ये है www.fci.gov.in, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको जो भी आएगा उसमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और फिर राइट में टैब आता है मेरे ख्याल से, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको एंटर करना है अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, तो आपके पास एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा होगा, या फिर अगर फ़ोन से भर रहे हैं वरना अपने फ़ोन से फोटोग्राफ ले लीजिएगा। इस तरीके से आपको प्रोसेस आगे चलेगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पेमेंट के बाद आपका 5 मंथ्स फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब ये देखिए पेमेंट के बारे में क्या देखना है हमें, जो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एनी वन विद इन द जोन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फी है आपकी 500 रुपये एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस बट इंक्लूडिंग GST, ठीक है। SC ST सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विस मैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इज, चलिए गाइस नीचे देखते हैं, जो आपकी ई रिसिप्ट जनरेट होगी, ठीक है, पेमेंट के बाद उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है, उसमें फी डिटेल्स आपकी होंगी, तो उसका पेमेंट आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। गाइडलाइंस ये रखी हैं अपलोडिंग के लिए, जो आपको फोटो अगर फोटोग्राफ आपको जब अपलोड करनी है तो उसका फाइल साइज होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में, ठीक है। डायमेंशंस रहेगी 200 से 230 pixels के बीच में। सेम सिमिलर चीज़ है, रेड आई नहीं होनी चाहिए, पीछे सन नहीं होना चाहिए, सामने सन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं पड़नी चाहिए आपकी, एक फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए ये, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है आपको, ये नहीं है कि कोई भी फ़ोटो आप अपनी अपलोड कर दें, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देख लीजिए कैसा होना चाहिए, आपका साइन होने चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के साथ, और सिग्नेचर या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए आपका, रनिंग हैंड में होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देख लीजिए गाइस, फाइल साइज 20 से 50 KB होना चाहिए, JPG JPEG फॉर्मेट में, डायमेंशन 240x240 pixels in 200 DPI, जब भी आप स्कैन कराएं तो इसमें ये ध्यान रखिएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फाइल साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। फाइल टाइप देख लीजिए ये सब है। स्कैनिंग करेंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स की, तो ये आपकी डिटेल्स हैं जो आपको देख लेनी है ताकि स्कैन करवाते टाइम आपसे कोई वो ना हो मिस्टेक, तो इस तरीके से ही स्कैन कराइएगा। अब गाइस अब देख लेते हैं आपका टेंटेटिव शेड्यूल। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद फी सब पेमेंट विल कमेंस फ्रॉम 28 फरवरी को ये फॉर्म निकला था, ठीक है, 2019 लास्ट डेट है आपकी 30 मार्च 2019, ओके। जो आपका कॉल लेटर है एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले आ जाएगा, और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ये अनाउंस हो जाएगी www.fci.gov.in पे, ओके। तो गाइस यही सब था इस फॉर्म के बारे में। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं उनका सर्टिफिकेट है ये, जो फॉर्मेट होना चाहिए, अगर आप OBC कैटेगरी में फॉल करते हैं तो नीचे आपका इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए आपके OBC सर्टिफिकेट का, ठीक है। सिमिलरली अगर EWC से बिलोंग करते हैं EWS से, तो आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज यही था इस वीडियो में, थैंक यू, एंड इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये आपके लिए, और काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, अपना जोन वगैरह हर चीज़ देख के फिर भरिएगा, कितनी वैकेंसीज़ कहाँ पर हैं उस हिसाब से आप भरिएगा। थैंक यू गाइज।